फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मातृ छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहां पर जो है हम लगातार क्लासें अपलोड कर रहे हैं और वो किस चीज़ की कर रहे हैं तो जीएस की हैं, और जो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फायदा करेंगी वो करेंगे पीसीएस प्री में, ठीक है। प्री एग्जाम आ रहा है और दूसरा जो है पैट का भी एग्जाम होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत जो है हेल्पफुल होगी, ठीक है। और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आपके लिए जितनी अच्छी क्लासें कर सकें। और हाँ, अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं कोई तो आपकी मान होगी, और आप कोई टॉपिक भी अगर जो चाहें तो हम वो टॉपिक भी है जो आपका जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप हमारी जो गलतियां हैं हम उसको भी सुधारेंगे, ठीक है। तो हमको जो देरी है बस आपके कमेंट की है, ठीक है। आप कमेंट करते रहिए, तो स्कैनर है ही, स्कैन करिए जाए डायरेक्ट पहुंचिए, और अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके जो है ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मातृ छाया सर्च कर सकते हैं आप, डायरेक्ट जाके यूट्यूब में जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बहुत तरीके हैं, सब अलग हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इससे सवाल जो हम बहुत बनते हैं और पूछे भी खूब जाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है। हमने सोचा कि जो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनसे कहीं ना कहीं, और जो है सिख धर्म है, धीरे धीरे जो है एक एक टॉपिक लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। अब देखो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, तो ये पेड़ जो है पीपल का है, इसी को ही बौद्ध बट भी बोलते हैं, ठीक है। बौद्ध बट भी पूछ ले कौन सा है तो वो पीपल का पेड़ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस फोटो को ही बहुत अच्छी तरह देखें तो ये फोटो जो है, ये फोटो कहाँ की है तो ये बौद्ध गया की है, ठीक है। पहले आप यही देख सकते हैं फोटो है, ठीक है। अब फोटो में ये जो देखा गया तो ये बौद्ध गया की है और ये पीपल का पेड़ है, ठीक है। स्थान कहाँ है, बौद्ध गया है, पीपल का पेड़ है, और यहीं पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब नदी का नाम जो है निरंजना है, और क्या है तो पुनपुन नाम है, ठीक है। नदी का नाम जो है निरंजना है और पुनपुन नदी ही इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आप यहीं से भी वो करते जाइए, ठीक है। तो पुनपुन नदी है और निरंजना भी इसका नाम है, ठीक है। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, ठीक है। पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास में है कि एक जन्म का है, एक बौद्ध प्रबोधन का है, और उनका गृह त्याग है, और इनका जो है महाभिनिष्क्रमण है, ठीक है। तो एक तो महाभिनिष्क्रमण ये है जो इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और जन्म जो है जन्म का है ही नहीं है, तो महाभिनिष्क्रमण है, महापरिणाम परिमाण है, निवास निवारण है, तो ये मृत्यु है, और ये जो क्या है तो गृह त्याग कर है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन क्या होगा तो गृह त्याग होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो है इसका जो ऑप्शन होगा गृह त्याग होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है गृह त्याग है, ठीक है।
इसकी जो आंसर की है आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसी में लगी हुई है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की, ठीक है, मैं इसमें आपको आंसर बताता जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा और आंसर की इसी में है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पूछे ही गए हैं, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम होता है उसमें जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी, ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी। तो गोरखपुर में एक एरिया का नाम है जिसे रामपुर बोला जाता है और रामपुर में एक जो वंश चल रहा था तो कोलिया वंश था, ठीक है, रामपुर के कोलिया वंश से जो है इनकी वो ताल्लुकात रख रही थी इनकी माँ, ठीक है। अब पूछ ले कभी कि महामाया वंश तो था ही नहीं, लिच्छवी वंश नहीं है, शाक्य वंश है, तो शाक मुनि किसको कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं और ये शाक वंश के थे, ठीक है, इसीलिए इनको शाक मुनि भी बोलते हैं गौतम बुद्ध को। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर ए होगा, ठीक है, इसका आंसर जो होगा ए नंबर का होगा, कोलिया वंश होगा, ठीक है। आगे आपको सारे आंसर जो है मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो यूपी स्पेशल हमने करवाया था, उसमें बताया था कि महात्मा बुद्ध का महापरिणाम लिखा है, महापरिणामवार कहाँ हुआ, मतलब मृत्यु कहाँ पे हुई। तो मृत्यु जो हुई है उनका, देखो चारों इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लें तो कपिलवस्तु जहाँ पे इनका जो है पालन पोषण हुआ, लुम्बिनी ये तराइन के क्षेत्र में है जो उत्तर प्रदेश में आता था, नेपाल में आता है, तो यहाँ पे जन्म होता है, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बिहार में है बोधगया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो महापरायण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ और कपिलवस्तु यहाँ के शासक थे, इनके जो पिता का नाम था सिद्धोधन था, ठीक है। चलो तो तीसरे का आंसर जो क्या होगा, तो बी नंबर का होगा, कुशीनगर, ठीक है, मल्ल जो है राज्य था, मल्ल गणराज्य था उसमें था, ठीक है, 16 महाजनपद आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे उसी में था, ठीक है। लिखा है बौद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, तो मैं अभी बता ही चुका हूँ कि बौद्ध का जो जन्म था लुम्बिनी में था, लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका आंसर जो है ए है, ठीक है। और बात करें तो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में ये पटना है जहाँ पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। वैशाली वह स्थान है जहाँ पे जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, जैन धर्म के हैं वो, कपिलवस्तु मैंने बता ही दिया कि कहाँ के शासक थे, तो ये यहीं के थे, ठीक है। लिखा है कि आ गया आंसर, अभी पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का महापरायण जो हुआ है तो कौन से गणराज्य में हुआ था, ठीक है, कौन से गणतंत्र में हुआ था, तो मल्लों के उसमें हुआ, ठीक है, मल्ल गणराज्य में जो है इनका हुआ था, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, ये कुशीनगर का है, ठीक है, उसी का नाम कुशी नारा भी है। अब लिखा है, पूछा गया है कि बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला, मतलब उनका शिष्य जो था तो अंतिम शिष्य कौन सा था, ठीक है, दीक्षित किए जाने वाला अंतिम शिष्य कौन था, तो अंतिम शिष्य जो था इसका जो आंसर होगा तो सुभद्र था, ठीक है, कौन था, सुभद्र नाम का जो था अंतिम था, एक आनंद जो था, आनंद इनका बहुत ही प्रिय शिष्य था और ये कहीं ना कहीं ये भाई भी था, ये चाचा का लड़का था, ठीक है, आनंद जो था सबसे प्रिय था और ये चाचा का लड़का था, आनंद के ही कहने पर बौद्ध संगा में, मतलब संघ जो होता था बौद्ध धर्म का, तो स्त्री को लिया गया आनंद के ही कहने पर
और इनके संग में अगर जो पहली स्त्री कोई आई थी तो वो थी महामाया, ठीक है, महामाया, ठीक है। तो ये कौन थी? तो इनकी गौतम बुद्ध की जो थी ये मौसी थी, ठीक है, महामाया जो थी गौतम बुद्ध की मौसी थी। अब इनका पालन पोषण भी किसने किया था? तो इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो है, सॉरी फ्रेंड्स, महामाया जो इनकी माता का नाम था, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि महामाया जो नाम था इनकी, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया और पिता का नाम सिद्धोदन था, और जो प्रजापति गौतमी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी ही हैं जो मौसी थी जिन्होंने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का, और पहली महिला कोई संघ में आई तो प्रजापति गौतमी आई थी, ठीक है, ये मौसी थी, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो वाइफ का नाम जो था यशोदा था, यशोद्रा था। पिता, सॉरी, पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है, ये आप याद कर रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि पूछा है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, ठीक है, उपदेश कहाँ दिया? तो वो दिया सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ है? तो वो यूपी में है, और कहाँ पे? काशी, वाराणसी के ही पास में है काशी, ऑप्शन भी है, तो काशी से कुछ दूर दिया था, ये करीब 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी है सारनाथ, मैं गया भी हूँ, ठीक है। बात करें कि कुशीनगर, कुशीनगर में मृत्यु हुई है, यहाँ पे उपदेश दिया, बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें काशीनगर की, काशी की जगह पे ऑप्शन अगर जो एक होता जिसका नाम है लुम्बिनी, अगर जो होता तो सारी चीजें बन जाती, जन्म भी, मृत्यु भी, और ज्ञान की प्राप्ति भी, और उपदेश भी, ठीक है। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो वो दिया है सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ का नाम पुराना कभी पूछ ले तो ऋषि पत्तम है, ठीक है, ऋषि पत्तम किसका नाम है? तो सारनाथ का है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूछा है कि अलार कलाम कौन थे, ठीक है, अलार कलाम कौन थे? तो भैया इसका जो आंसर होगा, गौतम बुद्ध के जो है गुरु का नाम था, ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो अलार अलार कलाम थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के कौन थे? ये गुरु थे, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि पूछ रहा कौन से गुरु थे, तो पहले गुरु गुरु थे, ठीक है, दो गुरु थे इनके, तो बौद्ध बौद्ध के जो है गुरु थे, ये पहले गुरु थे, ठीक है, अलार कलाम। अब इसके बाद जो है पूछा गया है, हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी सारी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, उसमें आंसर की जो है आपको साथ में मिलेगी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं दोबारा जो है, रिवाइज करके क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, अपलोड हो जाएगी। बात करते हैं ग्रंथों में उल्लेख, ठीक है, ग्रंथों में उल्लेखित जो धर्मचक्र परिवर्तन है, ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन है जो बात करें कि कहाँ पे है, तो धर्मचक्र परिवर्तन की बात करें तो ये सारनाथ में है, ठीक है, ये बुद्ध का सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश दिया था, इसी को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और बौद्ध धर्म का जो है एक धम्म भी बना है, कहाँ पे बना है? तो सारनाथ में बना है, ठीक है, हाँ, सारनाथ में ही अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक स्तंभ भी अगर जो कभी पूछ ले, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, तो वहीं पे बनवाया गया था, और वो 15.5 मीटर की उसकी ऊंचाई थी, ठीक है। तो जाएंगे तो आपको संग्रहालय मिलेगा, ठीक है, म्यूजियम रखा बना है वहीं पे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं।
ठीक है, सारनाथ में है ये चीजें, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। ठीक है, अब पूछा गया है दसवां क्वेश्चन। दसवीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे, तो मैंने अभी यूपी स्पेशल की जब क्लास आपको अपलोड की है, अगर जो ध्यान से सुना होगा तो बताया था कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो अनपढ़ कहां पाए जाएंगे, तो वो है श्रावस्ती है। तो सबसे ज्यादा अगर जो दिया है उपदेश तो श्रावस्ती में दिया है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी होगा। और राजगिरी वो है जहां पर जो है पहली बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी। ठीक है, वैशाली जो है बताया था, कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, लिखा है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, उसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी वसुमित्र ने की थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वसुमित्र होगा। ठीक है, नागार्जुन उस समय पर थे नहीं। ठीक है, अब इसके बाद 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन जो कह रहा है, वो पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरायण के बाद जो पहली बौद्ध संगीत हुई, ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका जो आंसर होगा राजगिरी में होगा। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। अभी पूछ रहा था कि कहां पे हुई, अब पूछ रहा है कि अध्यक्षता कौन था, तो वो तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है, महाकश्यप द्वारा की गई थी, इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, अब पूछा है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके किसके शासन काल में प्रकट हुई। ठीक है, अब बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया, बौद्ध धर्म में हीनयान है और महायान है। ठीक है, हीनयान और महायान, हीनयान वो है जो बौद्ध की प्रतिमा बनाते हैं, महायान जो है बौद्ध की प्रतिमा नहीं बनाते। जो महायान और हीनयान में अंतर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अलग अलग है, जो बौद्ध के कहने पर चले वो महायान, जो नहीं चले वो हीनयान। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कनिष्क होगा। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के समय पर, सॉरी तीसरी बौद्ध संगीति के समय पर ये बढ़ चुके थे। ठीक है, चौथी जो हुई थी अशोक के समय पर हुई थी। ठीक है, पहली आजाद शत्रु के समय पर हुई थी, हाँ जो है पहली आजाद शत्रु के समय। अब इसके ऑप्शन मिलाना है, ठीक है, तो ऑप्शन आप मिला सकते हैं। ठीक है, पूछा गया निम्नलिखित चार स्थानों में से हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम लगाइए। ठीक है, पहला कौन सा था, तो राजगिरी में हुई थी, ये हम अभी बात कर चुके। तो दो नंबर का पहला किसमें है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, छोड़ो, फिर राजगिरी के बाद जो किसमें हुई थी, तो इसका जो इसके बाद जो हम बात करें, ठीक है, राजगिरी के बाद जो किसमें हुई है, तो वो हुई है वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई है, फिर हुई है पाटलिपुत्र में हुई है, फिर कुंडलवन ग्राम में हुई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये पहला, पहले के बाद ये पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा, चौथा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आप
अभियान शक्ति आएगी तो आप उसमें मिला सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आंसर मुझे लग रहा है सारे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लिखा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो कभी पूछ ले कहाँ पे हुआ, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति का, पहली का कहाँ हुआ, राजगिरी में, पहली का राजगिरी में, दूसरी का वैशाली में। ठीक है, फिर हुआ तीसरी का पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन ग्राम में जो है चौथी हुई थी। लो आगे आंसर पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, तो भैया ये पाटलिपुत्र में हुई, यहाँ पे उपदेश दिया गया था, बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तक्षशिला, तक्षशिला बात करें कि कभी पूछ ले कि पहली बार भारत में शिक्षा का प्रथम केंद्र कहाँ था, पहली बार पढ़ाई की शुरुआत कहाँ हुई, तो तक्षशिला था। ठीक है, जहाँ के प्रोफेसर कौन थे, तो चाणक कब था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर था। ठीक है, चाणक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्त मौर्य वंश का था। ठीक है, अशोक के बाबा है। ठीक है, अशोक के बाबा थे। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपको बता दिए। अब इसके बाद जो फिर पूछ रहा है, पूछा गया कि द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसने किया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किसने किया है, तो उसके शासक का नाम बताना है। ठीक है, तो काला शोक के समय पर हुई। ठीक है, पहली किसके समय पर हुई, अजातशत्रु के। ठीक है, तीसरी चौथी, पहली अजातशत्रु, तीसरी चौथी जो अशोक के समय पर, तीसरी काला शोक के समय, पहली पहली जो हुई, हाँ पहली अजातशत्रु, द्वितीय काला शोक, इसके बाद कनिष्क के में तीसरी हुई, चौथी में ये हुई थी। ठीक है, चलो अब पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो आपको मैं अभी बता ही चुका हूं कि अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो है हुआ। ठीक है, आयोजन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण बनाया गया जहां। ठीक है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, तो आपको पता है कि बौद्ध गया में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, अपना प्रवचन कहां दिया, तो सारनाथ में। बौद्ध की मृत्यु हुई, तो इसका आंसर जो है बी होगा। पैदा कहाँ हुए थे, तो लुम्बिनी में। बौद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, तो गया में। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है महाबोधि मंदिर, तो ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, ये लुम्बिनी में हुई थे जन्म। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लिखा है, पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में। ठीक है, पूछा गया है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही बताइए। ठीक है, उन्हें आर सत्य का प्रसार किया गया था, उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, और लिखा वैदिक धर्म को अस्वीकार किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये चारों की चारों जो है सही है। ठीक है, ठीक है, आगे अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर है। ठीक है, तो निरंजना नदी के किनारे अगर जो देखेंगे कौन सा है, तो बौद्ध गया है। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, ऋषि पत्तम सारनाथ का ही पुराना नाम है। यहाँ पे उपदेश दिया, यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, सॉरी, जन्म हुआ, सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है,
तो जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बौद्ध गया में। उपदेश दिया और मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, क्या पूछ रहा है कि निरंजन नंदी पे ज्ञान की प्राप्ति, सी नंबर इसका जो है आंसर है। ठीक है, चारों ऑप्शन सारे देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर जो 50 हैं तो आपको कम से कम 100 क्वेश्चन जो हैं ये हो गए जाएंगे। ठीक है, अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित प्रवचन का संकलन किया गया है? ठीक है, तो ये जो संकलन किया गया है ये सुत पटक में किया गया है। ये सारी बुकें जो हैं बौद्ध धर्म से हैं। ठीक है, विनय पटक, शुद्ध पटक, और जो है जातक कथायां और अभिनी धम्म पटक। ठीक है, ये तीनों जो हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, लो आ गया, पूछ रहा है त्रिपटक। अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर जो आप देखें तो अभी अभिधम्म पटक, विनय पटक, सुत पटक, ये तीन पटक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीन पटक त्रिपटक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो गांधी जी के तीन मंदिर हैं ही नहीं, महावीर स्वामी के ये नहीं है, और विष्णु ब्रह्मा नहीं, महेश नहीं है। ये क्या है? डी नंबर का आंसर है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म के है। ठीक है, उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम बात करें कि इंटर में एक चैप्टर हाई स्कूल में आता था, यूपी बोर्ड में जो जिला वाइज बचता रहता, तो उसमें आता था लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहें या एशिया के ज्योति पुंज के तौर में किसे माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है, ये स्वामी विवेकानंद का नाम, असली जो नाम था वो था वो था नरेंद्र दत्त था। पर इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो भैया कोलकाता में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद महात्मा गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका गुजरात में हुआ है। और करें हैं स्वामी महावीर स्वामी का वैशाली में है, और गौतम बुद्ध की तो हम बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बौद्ध धर्म के किसी भी घटना से नहीं है। ठीक है, हाँ, आपने कभी 50 की, सॉरी, आपने 200 रुपए की नोट देखी होगी, तो नहीं देखी तो आज पलटा के देखो। ठीक है, उसके पीछे जो एक चित्र बना है और लिखा है सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो एमपी में है। ठीक है, यहीं से चंबल नदी जो है आती है। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप है जो किसी भी घटना से नहीं है। सारनाथ का वचन दिया था, पहला उपदेश दिया था, बौद्ध गया में बना है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनारायण की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, लिखा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे है? तो विक्रमशिला है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी, और पीसीएस 2016 का जो है, पीसीएस 2016 का चौथा क्वेश्चन यही था, पूछा था कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो ये बिहार में है, और इस जो है बौद्ध धर्म का शिक्षक केंद्र है। ठीक है, लो अब लिखा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। भैया विश्व में जो है एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो अंक आ गए, लेकिन शून्य का जो है अंक नहीं आया था। ठीक है, शून्य का अंक नहीं आया था। और ये बात की ये करें कि शून्य जिसके पीछे
शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? अब बात करें तो शून्य की खासियत ये है कि जिसके पीछे लग जाए तो इज्जत बढ़ा देता है, आगे लग जाए तो भिखारी बना देता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा नागार्जुन होगा। ठीक है, ठीक है। अब लिखा है ये छोट बड़ा है तो इसको थोड़ा सा करें। लिखा है बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पूर्व जन्म नहीं होता है, ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। निम्नलिखित में से जो है आंसर चुनना है, तो इसका जो आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। बौद्ध धर्म पूर्व जन्म में मानते हैं, ठीक है। तो एक कहते हैं कि बौद्ध धर्म दोबारा, गौतम बुद्ध का जन्म दोबारा होगा और उनका नाम क्या होगा? तो मैत्रेय होगा। ठीक है, पुनर्जन्म में आएंगे, उनका जन्म नाम होगा जो मैत्रेय होगा। ठीक है, अब देखो भैया, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य शक्तियों का प्रयोग किया था, ठीक है, तो कैसे हैं उनको लाइन से रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया था दुख है, दुनिया में जो है दुख है भैया, और सब कोई दुखी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो दुख दुख होगा भैया, तो दुख का कारण भी होगा, अगर जो आदमी का कोई ना कोई दुख है तो उसका कारण भी होगा। अब कारण होगा तो उसके बाद में जो हम बात करें तो दुख का निरोध होगा। ठीक है, अब पहले दुख हुआ, दुख का कारण, और दुख का हुआ पूरे परिवार में बढ़ गया, अब तो इसके लिए क्या होगा? दुख का निरोग का मार्ग देखेंगे, कैसे उसका निवारण किया जाए। ठीक है, इसका जो आंसर ए होगा। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करें एवं चैत एवं बिहार के अंतर को बताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर में जब आप शिक्षा शास्त्र कभी पढ़ते हैं तो उसमें जो है इसको बहुत ठीक है, हाँ पूछा गया है कि ये भी पीसीएस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आया है। पूछा गया है कि चैत क्या था और बिहार क्या था, तो चैत वह स्थान है जो गौतम बुद्ध के, मतलब बौद्धों का पूजा स्थल क्या है, चैत स्थल, पूजा स्थल ये है, जबकि बिहार का मतलब होता है निवास स्थल। ठीक है, बिहार का है जो है निवास स्थल, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे आंसर, हमने इसकी बात की थी कि बौद्ध धर्म के में महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्या कौन थी, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक, यशोधरा जो थी उनकी वाइफ थी, और अनुजा अपाला ये कोई नहीं, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है,
सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है दो बार लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे भैया लिखा है कि त्रिपटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, त्रिपटक में पटक का क्या अर्थ है? ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पटक का मतलब पुस्तक नहीं है, उपदेश नहीं है, कल्याण मार्ग नहीं है, पिटारा है। ठीक है, जादू का पिटारा जैसे घुमता है, तो ऐसे बौद्ध धर्म में जो है पिटारा है, तो पिटारा क्या? ज्ञान का पिटारा। ठीक है, ज्ञान का पिटारा। अब लिखा है, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। तो सुत पटक क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश है। ठीक है, बौद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए, उनको किस में लिखा गया? तो सुत पटक में लिखा गया। अब इसके बाद लिखा विनय पटक। विनय पटक क्या है? तो बौद्ध धर्म में मठों के मठ जो बने हुए हैं, पूजा स्थल, उसमें नियम संयम है। ठीक है, अब अभिधम्म क्या है? तो अभिधम्म वो है जो है धर्म। अभिधम्म पटक क्या है? तो धर्म, बौद्ध धर्म का सैद्धांतिक विवेचना है, कैसे धर्म को विकास होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, हाँ। अब लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म बौद्ध महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, किस नाम से जाना गया? तो पहले तो नाम इनका सिद्धार्थ था, फिर इसको बुद्ध कहा गया, फिर तथागत कहा गया, और शाक वंश के थे, तो शाक वंश में पहला मुनि कोई पैदा हुआ, तो इसे शाक मुनि भी कहा गया। तो इनके जो हैं सारे सारे नाम जो हैं ये बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध के हैं। ठीक है, भैया फिर दोबारा क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि सांची का स्तूप, ठीक है, कहाँ पर है? तो ये बौद्ध धर्म के किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं करता है, और ये कहाँ पे है? तो एमपी में है। ठीक है, 200 रुपए की नोट में है, अभी हमने बताया था। इसका किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, अब इसके और जो ऑप्शन है, तो हुमायूं, अकबर, ये तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, तो इसका जो करवाया था अशोक ने करवाया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि अजंता, ठीक, और एलोरा। ठीक है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीन जो आपको तीन जो हैं क्या हैं? ये गुफाएं हैं। ठीक है, अगर कभी देखना हो तो कहाँ जाना है आपको? महाराष्ट्र जाना है। ठीक है, तो किस राज्य में है? तो आप महाराष्ट्र जाएंगे, वहां पे जाके इनकी देख सकते हैं। ठीक है, अजंता, एलिफेंटा, ये गुफाएं जो हैं, एलोरा गुफाएं हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो अभी हमने पूछा था लाइट ऑफ एशिया, तो जो है गौतम बुद्ध है। ठीक है, एक नाम आया है जो नाम है ईसा मसीहा, तो क्रिश्चियन धर्म के ये पहले संस्था, मतलब क्रिश्चियन धर्म कब से आए? तो इसी से आए। हाँ, हम कभी जब डेट बताते हैं तो कौन सी 23वीं ईस्वी चल रही है। ठीक है, तो जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो इससे पहले का जो समय होता है तो ईसा पूर्व होता है। ठीक है, तो अगर जो कभी पूछ ले कि गौतम बुद्ध का, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो वो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है हुआ है 563 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। हाँ, मृत्यु पूछ ले कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व हुआ है भैया, जो है ये ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध का जन्म है और मृत्यु है। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब, तो ये भैया इस्लाम धर्म से हैं। ठीक है,
मोहम्मद पैगंबर साहब का देखें तो ये इस्लाम धर्म से है। अब इनका क्या है, तो इन्होंने क्या है, कब बौद्ध इन्होंने कब स्थापना की, तो इन्होंने 5576 में की, ठीक है, किसकी की, इस्लाम धर्म की स्थापना की, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कोई भी धर्म के नहीं है, मतलब कोई भी धर्म की स्थापना नहीं की उन्होंने, ठीक है। ये जो थी थोड़ी जानकारी तो हमने कहा आपको बता दें। हाँ, अब लिखा है, फिर ये क्वेश्चन आ गया, पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने महापरायण कहाँ लिया, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई, ठीक है। लिखा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, दोबारा आ गया कि चोल ने बनवाया, नहीं गौतम बुद्ध ने नहीं, इसका आंसर जो है अशोक है, हम इसकी बात कर चुके हैं। सारनाथ का स्तंभ धम्म चक्र परिवर्तन जो है किससे इंगती है, ठीक है। तो ये भैया क्या है, धर्म की प्रगति के लिए था, इसका आंसर जो है डी होगा, जो धर्म की प्रगति के लिए, सॉरी बी होगा, प्रगति के लिए, ठीक है। लिखा है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के से संबंधित नहीं है, तो भैया इसका जो आंसर जो है कौन से नहीं है, तो पावापुरी है, ठीक है, इसका स्थान जो है पावापुरी है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि अगर उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया, मृत्यु कुशीनगर, पावापुरी नहीं है, पावापुरी जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। लिखा है, हाँ ये आपका क्वेश्चन आ गया भैया, तो इसका जो आंसर अगर जो आप देखेंगे, लिखा है धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो भैया सारनाथ में है, मतलब धर्म का स्तूप का स्थान का इसमें है, तो सारनाथ में है, ठीक है। चलो भैया, ये 9 नंबर है, लेकिन अगर जो हम देखेंगे तो ये जो होगा हमारा 44वां नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद 6 और बचे, तो आज हमारी जो क्लास जो है कंप्लीट भी हो जाएगी, और जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं धर्म, बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो उत्तर प्रदेश में दिया है, सारनाथ में दिया है, और ये स्थान कहाँ पर है, तो वाराणसी में लुम्बिनी में जन्म हुआ, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति और यहाँ पर मृत्यु हो गई, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लिखा है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म का साहित्यिक संबंध, मतलब बौद्ध धर्म की जो पढ़ाई होती थी मठों में होती थी, बौद्ध भिक्षुक उनको पढ़ाते थे, हाँ एक पब्जा जो था, जैसे कि रामायण आप देखेंगे तो हमारे हिंदू धर्म में जब बच्चा पढ़ने जाता था तो उपनयन संस्कार होता था, टकला कर दिया जाता था, ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी होता था, जिसे पब्जा कहा जाता था, ठीक है। अब इसकी भाषा क्या थी, तो ये भाषा जो थी पाली भाषा थी, ठीक है, पाली भाषा जो थी बौद्ध धर्म से है, और जो प्राकृतिक भाषा है ये जैन धर्म से है, ठीक है। लिखा है, भरहुत से संबंधित है, भरहुत भैया पता ही है कि जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो ये जैन धर्म में ही होगा, ठीक है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं करना। लिखा है, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो भैया कलिंग जो किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, तो भामरू है, ठीक है, भामरू है जिसमें किया गया है, ठीक है।
गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बता ही देता हूँ कि सिद्धार्थ था, जो सिद्धार्थ नगर, हाँ महेंद्र आया। तो महेंद्र जो ये अशोक का बेटा था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गया? श्रीलंका गया था, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, बेटी को और बेटे को भी, ठीक है। बौद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो पता है कि लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। ये लुम्बिनी गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का, यहाँ पे पहली वो थी बौद्ध संगीति, यहाँ पे पाटलिपुत्रों के पिता का शासन चल रहा था, ठीक है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म से धम्म में वर्णित नहीं है, ठीक है, जो है संघ के प्रति आस्था, माता पिता का आज्ञा का पालन भी है, दान पुण्य भी है, भातृभाव भी है, लेकिन संघ के प्रति आस्था जो है इसमें धम्म में नहीं है, ठीक। लिखा है महर्षि गौतम का संबंध भारतीय दर्शन है, ठीक है, बहुत दर्शन है भैया, 6-7 हैं। तो संख्या का है कपिल से हो, ठीक है। न्याय कौन देते हैं? तो भैया गौतम देते हैं। और योग कौन है? तो पतंजलि से हैं, ठीक है, और योग के पतंजलि हैं, ठीक है, शायद इसके नाम शशांक कुछ करके हैं, ठीक है। तो न्याय किससे है? गौतम से है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। लिखा है बोधिष्ठ पद्मरागिणी का चित्र जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय जो चित्र है किससे है? तो ये जो चित्र है भैया ये जो चित्र है तो अजंता में है, हमने देखा था अजंता की जो है ये जो मिलता है, तो अजंता, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। त्रिपटक किससे है? तो ये तो किससे है? बौद्ध धर्म से, इसकी हम बात कर ही चुके। लिखा भारतीय कला का वह है कौन सा स्कूल है जो रोमन ग्रोको रोमन बुद्ध आर्ट के नाम से भी जाता है? तो ये भैया जो है गंधार कला है, ठीक है, गंधार कला है, ठीक है, गंधार कला लोन आ गया, फिर उस आ गया, तो इसका जो आंसर आ गया है, तो इसका आंसर जो है बी है, हिंद यूनानी है, ठीक है, इसका जो आंसर है हिंद यूनानी है। प्रथम बौद्ध परिषद की आयोजन कहाँ हुआ? तो इसे पता है कि राजगिरी में हुआ है। लिखा है गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन क्या हुआ? पहली बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। त्रिपटक बौद्ध धर्म से है। सांची में स्थित, हाँ किस वंश से, मतलब कौन से वंश का थे जब सांची का स्तूप बना? तो मौर्य वंश से, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं दोबारा भी। बौद्ध धर्म के उपदेशों को किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका धर्म है पाली, ठीक है, पाली पाली। और आज का शायद मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स जो है हमारी क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। तो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी कमियां हैं आप मुझे दोबारा बताएं, कमेंट सेक्शन खाली है, आपका मैं इंतजार करूंगा। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।